चाइना के सीक्रेट एजेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये चाइना की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, बच्चों को चाइनीज कल्चर सिखाते हैं और तो और समय पड़ने पर दूसरे देशों को ब्लैकमेल भी करते हैं। लेकिन ये एजेंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। Two Chinese pandas offered to the United States during the president's Chinese visit. They're also a tool in China's global diplomatic strategy. The pandas left the nation's capital with diplomatic flair. I like to call it punitive panda diplomacy. बात हो रही है पांडास की, जो सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही पैदा होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को बहुत प्यारे लगते हैं। पिछले हफ्ते मैंने कुंग फू पांडा देखी और इसने मुझे काफी इंटरेस्टिंग बात याद दिलाई। चाइना ने पांडास का इस्तेमाल बड़ी ही स्मार्टली डिप्लोमेसी के लिए किया है। कैसे? कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन प्रॉमिस कीजिए, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, या अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो किसी अपने के साथ शेयर जरूर कर देंगे। और हाँ, अगर आपको आज की कहानी इंटरेस्टिंग लगती है तो कॉमेंट्स में इंटरेस्टिंग स्पैम कर दीजिए, ताकि हम ऐसे और वीडियोज बनाने पर फोकस कर सके। चैप्टर 1, पांडा डिप्लोमेसी क्या है। जब भी किसी देश का प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश जाता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है? ऊंची बिल्डिंग्स, डेवलप्ड रोड्स या फिर उनकी मिलिट्री शक्ति। लेकिन 2017 में जब शी जिनपिंग G20 के लिए जर्मनी गए तो उन्होंने क्या देखा? एक जू, और वो भी एक स्पेशल एनिमल के लिए, पांडा। चाइना ने बर्लिन जू को 2 पांडास गिफ्ट किए। एक्चुअली गिफ्ट नहीं किए, लोन पर दिए। चाइना कहता है कि उनके लिए पांडा बेयर्स काफी इम्पोर्टेंट है, वो रिलीजियस इम्पोर्टेंस रखते हैं और काफी रेयर हैं। तो वो जर्मनी को पांडास लोन पर देगा और हर साल जर्मनी चाइना को $1 million भी देगा। इस एक्ट का एक्चुअली एक नाम है पांडा डिप्लोमेसी। ये चाइनीज गवर्नमेंट की वो प्रैक्टिस है जिससे चाइना पांडा किसी दूसरे देश को लोन के तौर पर देता है, अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाता है। आज पूरी दुनिया में 22 ऐसे देश हैं जिन्हें चाइना ने इन टोटल 70 पांडास लोन पर दिए हैं। अगर आप इन्हें गौर से देखें तो वो वही देश है जिनसे चाइना को बिजनेस आता है। चाइना इनसे ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये चाइना का मास्टर स्ट्रोक है। क्यों? 3 reasons है। नंबर 1, पांडास बेयर्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो वेजिटेरियन होते हैं, वो क्यूट होते हैं, हार्मलेस होते हैं, तो पांडास को देखकर ऐसा लगता है कि यस, पांडा दोस्त बन सकते हैं। किसी भी देश को एक पांडा ऑफर करना उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने जैसा होता है। पांडास और चाइना का एक काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कुंग फू पांडा जैसी मूवीज जिन्हें चाइना ने हेवीली फंड किया है, वो इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि आने वाले जनरेशन को चाइना और चाइनीज कल्चर फ्रेंडली लगे और चाइना अपने डर्टी डीड्स छुपा सके। नंबर 3, ये पांडास लगते तो एक गिफ्ट जैसे हैं, लेकिन होते हैं एक्सपेंसिव लोन्स। इनके हेल्प से चाइना ढेरों पैसे भी कमाता है। चाइना के पांडास पर एक मोनोपोली है जो उन्हें काफी बड़ी बार्गेनिंग पावर देता है। चाइना को एक्चुअली इन पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाइना की इकोनॉमी $18 trillion की है। चाइना के पास $3 trillion तो फॉरेक्स रिजर्व्स में पड़े हुए हैं, फिर भी चाइना दूसरे देशों से $1 million वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए लेता है। प्लस अगर फॉरेन जू में होते हुए अगर उन पांडास को बच्चे हुए तो उन बच्चों के लिए चाइना $4 lakh एज कब टैक्स भी लेता है, और वो भी हर साल। भाई, चाइना नाम के लिए कम्युनिस्ट है, लेकिन है तो सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट। भाई, चाइना के लीडरशिप की दाद देनी होगी, वो पब्लिसिटी भी करते हैं, वो भी दूसरे देशों के पैसों पर। लेकिन चाइना के लिए पांडा डिप्लोमेसी इम्पोर्टेंट क्यों? सॉफ्ट पावर के लिए। चैप्टर 2, क्या होती है सॉफ्ट पावर। देश के लिए इमेज एक इम्पोर्टेंट टूल होती है। फ्रांस की इमेज क्या है? पेरिस को फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पेरिस परफ्यूम्स के लिए फेमस है। किसी भी प्रोडक्ट के नीचे पेरिस लिख दो तो वो ब्रांड बन जाता है। ये इमेज सॉफ्ट पावर होती है। लेकिन क्या फ्रांस में सब बढ़िया है? आप पेरिस जाओगे और उनके नॉन टूरिस्ट एरियाज में घूमोगे तो आपको भी रास्तों पर कूड़ा कचरा, हर जगह ओपनली स्मोक करने वाले लोग और भिखारी दिखेंगे। ऑफकोर्स किसी डेवलपिंग देश जितने नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो वहाँ पर भी है। लेकिन फ्रांस की ये छवि लोगों से छुपी हुई होती है, जिसकी वजह से पेरिस में हर साल 40 मिलियन टूरिस्ट आते हैं और भारत में सिर्फ 6 से 10 मिलियन। लेट दैट नंबर सिंक इन फॉर अ बिट। पेरिस तो एक शहर है, लेकिन फिर भी इस शहर में पूरे भारत से 4 गुना ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। क्यों? सॉफ्ट पावर की वजह से। इस सॉफ्ट पावर से लोगों का प्राइड तो बढ़ता है ही, साथ ही साथ इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट होता है। जो भी पेरिस जाता है एटलीस्ट एक मैग्नेट तो खरीदता है, क्योंकि हम सबको शो ऑफ करना है कि हम पेरिस जाकर आए हैं। एक मैग्नेट की कीमत मिनिमम 5 यूरो होती है, यानी 40 मिलियन टूरिस्ट इनटू 5 यूरो अमाउंट होती है 200 मिलियन यूरो सिर्फ एक मैग्नेट से। होटल के खर्चे, खाना,
अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखना, ये सब भी तो है। यानी सॉफ्ट पावर डेवलप करना एक देश के लिए काफी प्रॉस्पेरिटी लाता है, एक देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि इसकी वजह से फॉरेन देशों से पैसा देश के अंदर आता है। और ये बात भारत की लीडरशिप को पता है या नहीं पता नहीं, लेकिन चाइना की लीडरशिप घोल के पी चुकी है। चैप्टर 3, पांडा एक्सप्रेस। Let me tell you China's dirty secret. China World Trade Organization का हिस्सा 11th December 2001 को बना और उसके बाद चाइना की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। इसके दो साल बाद चाइना ने अमेरिका के मेम्फिस जू में एक पांडा भेजा। इस पांडा का नाम भी है याया। फेडेक्स नाम की एक कुरियर कंपनी ने इस पांडा को लाने के लिए एक स्पेशल फ्लाइट भी चाइना भेजी, जिसे पांडा एक्सप्रेस कहते हैं। ये पांडा 20 साल के लिए अमेरिका में रहा, लेकिन अब चाइना ने उस पांडा को वापस मांगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन अमेरिका में ठीक नहीं थी। चाइना ने एक कैंपेन चलाया कि अमेरिका इस पैंडा का ध्यान नहीं रख रहा। 3 महीनों के लिए चाइना और अमेरिका के डिप्लोमेट्स एक पैंडा पर डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे अमेरिका अपना वादा नहीं निभा रहा। पहले जब याया अमेरिका आया तो उसे देखने सैकड़ों टूरिस्ट आए, ये एक अट्रैक्शन बना, न्यूज बना, और याया जाते समय भी न्यूज बना। हाँ, आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी सिर्फ पैंडा के बारे में है या ये अमेरिका और चाइना के बदलते हुए रिश्ते के बारे में भी है? मीनवाइल इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइनीज सोशल मीडिया पर रशिया में चाइना ने भेजे पैंडा का क्या हाल है, वो कैसे खुशी खुशी रहता है, मजे करता है, ये वीडियोस वायरल होने लगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। जब प्रेसिडेंट ओबामा दलाई लामा से मिले तो चाइना गुस्सा हो गया। चाइना नहीं चाहता था कि तिब्बत का कोई भी लीडर इंडिपेंडेंटली इतने बड़े मंच पर तिब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखे। एज अ रिजल्ट जब वॉशिंगटन जू ने पांडा को एक और साल के लिए वहां पर रखने की रिक्वेस्ट की तो चाइना ने कहा नो। वैसे ही नॉर्वे हर साल नोबेल पुरस्कार देता है। चाइना नॉर्वे से सालमन फिश खरीदता है और उसका एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। लेकिन जब नॉर्वे ने एक चाइनीज प्रोटेस्टर को नोबेल प्राइज दिया तब चाइना अपसेट हो गया। उन्होंने नॉर्वे के लिए एक पैंडा रवाना किया तो था, लेकिन वो पैंडा नॉर्वे कभी पहुंचा ही नहीं, वो गया सीधा स्कॉटलैंड। एट द सेम टाइम चाइना ने अपनी इम्पोर्ट स्ट्रेटेजी बदली, उन्होंने सालमन फिश के इम्पोर्ट स्कॉटलैंड से करना शुरू किया। लेट मी टेल यू कि चाइना के सोशल मीडिया वहाँ की सरकार कम्प्लीटली कंट्रोल करती है, तो वहाँ क्या वायरल होगा और क्या नहीं ये भी सरकार डिसाइड करती है। ये चाइना के बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स का स्टैंड काफी क्लियर कर देता है। पांडास के थ्रू चाइना ये दिखाता है कि हम कितने इनोसेंट और अमेरिका कितना शैतान। टू बी फेयर, मैं ऐसा नहीं कह रही कि अमेरिका शैतान नहीं है। एक्चुअली अमेरिकन क्राइम्स आर वन ऑफ द मोस्ट हिडन क्राइम्स इन द वर्ल्ड। हम सिर्फ चाइना की डिप्लोमेसी और उनके गेम्स इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन और चाइना पांडास को एज अ वेपन यूज करता है। चाइना कहता है कि इन सारे एफर्ट से आने वाला पैसा चाइना में पांडा के लिए सेंचुरी और नेशनल पार्क्स बनाने में खर्च होता है। लेकिन चाइना में फ्री प्रेस नहीं है, चाइना में सोशल मीडिया सेंसर होता है, तो चाइनीज डेटा कितना सच और कितना नहीं ये किसी को पता नहीं। अगर चाइना इस पूरे एक्सरसाइज में एक्चुअली पांडास की भलाई चाहता तो वो हर एक देश को पांडा भेजता, हर एक वैसा देश जो $1 million हर साल देने के लिए रेडी है, जिनके पास पांडा को होस्ट करने की फैसिलिटी है। लेकिन चाइना किन्हें पांडास देगा इनके बारे में काफी सिलेक्टिव है। यानी यहाँ पांडा के बारे में कम और डिप्लोमेसी के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है, एनवायरमेंट से ज्यादा पॉलिटिक्स का काम यहाँ ज्यादा है। सबसे सैड बात यह है कि आज वाइल्ड में सिर्फ 1900 पैंडास हैं और 600 जू में कैद हैं। पिछले 10 सालों में कैप्टिविटी में होने वाले पैंडास की संख्या डबल हो चुकी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पैंडास को वाइल्ड हैबिटेट्स में इंट्रोड्यूस करने में चाइना पीछे छूट रहा है। यानी पैंडा चाइना का एक ऐसा डिप्लोमेट है जो चाइना के लिए काम तो करता है लेकिन फिर भी प्रिजन में रहता है, चाइना के लिए पैसे तो कमाता है लेकिन फिर भी वल्नरेबल स्पीशीज बनकर रहता है। पैंडा चाइना के लिए एक होली एनिमल है लेकिन फिर भी एक कमोडिटी की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। पैंडा चाइना का मैस्कॉट नहीं, चाइना का एक टूल है। जैसे कनाडा और इंडिया में डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हुए और उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स को टाटा कहा और हमने भी उनके डिप्लोमेट्स को यहाँ से भगाया, वैसे ही चाइना पैंडास के साथ करता है। डिफरेंस बस यही है कि इसमें पैंडा का कोई से नहीं होता। पैंडा खुद कोई बॉर्डर्स नहीं जानता, वो जियोपॉलिटिक्स नहीं जानता, वो बस अपने नेचुरल घर में जीना चाहता है, अपनी लाइफ फ्रीली एंजॉय करना चाहता है। चैप्टर 4, लेसन्स फॉर भारत। चाइना पैंडा डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट है और ये बात आज की नहीं है। टैंग डायनेस्टी ने सन 685 में ही पहला पैंडा जापान भेजा था। तब से अब तक पैंडा डिप्लोमेसी काफी इवॉल्व हुई है और इससे चाइना की सॉफ्ट पावर भी बढ़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं,
क्या हमें भी चाइना को कॉपी करना चाहिए? वेल, नॉट एग्जैक्टली। हम हमारे सॉफ्ट पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? हमें ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो हमारे लिए डिप्लोमैट्स बन सके, जो हमारे एम्बेसडर्स बन सके, ऐसी चीजें जो हमारे लिए एक इंडियन ब्रांड बन सके, जिनसे भारत की ख्याति पूरे विश्व में हो। वो क्या हो सकती हैं? चलिए सोचते हैं। नंबर वन इज इंडियन फूड। अमेरिका में चाय पानी नाम का एक इंडियन रेस्टोरेंट बेस्ट रेस्टोरेंट का अवार्ड जीत गया है। ये इस बात का प्रूफ है कि पूरी दुनिया को इंडियन फूड में इंटरेस्ट है। ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रिटी शेफ गैरी मेगन ओपनली कहते हुए हैं कि इंडियन स्ट्रीट फूड दुनिया में सबसे लाजवाब है। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। आज दुनिया में वीगन और वेजिटेरियन लोगों की संख्या बढ़ रही है। जहां वेस्टर्न खाना कम्प्लीटली मीट पर बेस्ड होता है, भारत में वेजिटेरियन खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो क्यों ना हमारे खाने को हमारा एम्बेसडर बनाया जाए? क्यों ना खाने के थ्रू हम पूरे दुनिया को भारत से इंट्रोड्यूस करें, उन्हें यहाँ इन्वाइट भी करें और अच्छी तरह से होस्ट भी। इंडियन स्ट्रीट फूड की इमेज इंटरनेशनली काफी खराब है। अगर हम हाइजीन मेंटेन कर पाए और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी, तो देसी स्ट्रीट फूड ग्लोबल हो सकता है। नंबर टू इज इंडियन फिल्म्स। हमारी फिल्मों का पूरे वर्ल्ड में बोलबाला ऑलरेडी है। जब RRR और द एलिफेंट विस्परर्स जैसी फिल्में ऑस्कर जीती, तो ये फिल्मों की नहीं भारत की जीत लगी। लेकिन ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हम फिल्मों को सिर्फ और सिर्फ एज अ बिजनेस ही देखते हैं। इंडियन प्रोड्यूसर्स को इम्पोर्टेंट फिल्मों को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। ऐसे फिल्में जो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक अच्छे मैसेज को प्रमोट करने के लिए बनी। साउथ कोरिया अपने के पॉप और के ड्रामा के साथ यही करता है। जब कोरियन फिल्म पैरासाइट ऑस्कर जीती, तब कोरिया की सॉफ्ट पावर बढ़ी। इस साल कोरियन फिल्म पास्ट लाइव्स भी नॉमिनेट हुई। आज कोरियन के पॉप बैंड BTS के फैंस पूरी दुनिया में हैं। ये इमेज बिल्डिंग भारत की ओर से भी हो सकता है। हमारे पास तो पिछले 5000 सालों का इतिहास है। हो सकता है कि बॉलीवुड की सारी फिल्में अच्छी ना हो या फिर ओवर कमर्शलाइज्ड हो, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमने बॉलीवुड को सेंटर स्टेज दिया है और बाकी सारी मूवीज को रीजनल मूवीज कहा है। ऐसा क्यों? आई फील सिर्फ हिंदी में ही नहीं, हर लैंग्वेज में अच्छी खासी स्टोरीज होती हैं और अच्छी खासी फिल्में भी बनती हैं। कुछ दिनों पहले राणा डग्गुबट्टी का एक इंटरव्यू देखा, जहां उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और बाकी की फिल्म इंडस्ट्री ऐसा डिस्टिंक्शन क्यों? फिल्म इंडस्ट्री तो एक होनी चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइडेड नहीं, ताकि अच्छे सब्जेक्ट्स पॉपुलर हो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। और नंबर थ्री है इंडिया का ब्रेन। आज जब कोई फॉरेनर भारत आता है और हमें सेब से लेकर आईफोन तक सब कुछ UPI से खरीदते हुए देखता है, तो सोचिए उस पर इम्पैक्ट क्या होता है। अब UPI भी इंटरनेशनल जा रहा है, अलग अलग देशों में एक्सेप्ट हो रहा है। इसके बारे में हमने हमारे कई वीडियोस में बात भी की है। यानी अलग अलग देश हमारी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं। आज कई ग्लोबल कंपनीज के CEOs इंडियन होते हैं, यानी इंडियन स्मार्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं, ये इमेज दुनिया भर में बन रही है। ये भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो मेरी हर एक इंडियन से इस वीडियो के थ्रू एक रिक्वेस्ट है, अपने बिहेवियर को रिस्पेक्टेबल रखिए, क्योंकि लोग आपके तरफ सिर्फ एज एन इंडिविजुअल नहीं देखते, वो आपको एज एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर करते हैं। जब आप क्यू ब्रेक करते हैं, रास्ते पर कचरा फेंकते हैं या फिर पब्लिक स्पेसेस में जोर जोर से बातें करते हैं, तो सिर्फ आप खुद की नहीं भारत की बेइज्जती करते हैं। हमें यही तो बदलना है। देश का NRI पॉपुलेशन भी एक देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो देश का एक ग्लोबल एम्बेसडर बनता है। फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू कीमती फॉरेन एक्सचेंज देश में भेज सकता है। ऑफ कोर्स, अगर वो ये समझ पाए कि देश के बाहर जाने के बाद भी उन्हें हर कोई एज एन इंडियन ही मानेगा। देश के बाहर जाना एक चॉइस है, वो उन्हें दूसरों से जो भारत में रहते हैं उनसे बेहतर नहीं बनाते। ये चॉइस सिर्फ ये जताती है कि उनके चैलेंजेस हमसे अलग होंगे। ब्रेन ड्रेन सच है या नहीं, इस पर हम एक वीडियो फ्यूचर में जरूर बनाएंगे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो की शुरुआत में आपने हमसे जो प्रॉमिस किया था वो तो याद है ना, सॉल्यूशंस का हिस्सा बनना है और भारत को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाना है। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ज्योग्राफिकल बाउंड्री से ज्यादा मेंटल बाउंड्रीज मैटर करेंगी। हमें चाइना की पैंडा डिप्लोमेसी से सीखना जरूरी इसीलिए है, क्योंकि अगर हमें ग्रेट पावर बनना है तो हमें हमारे सॉफ्ट पावर को पहचानना होगा। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है।